वेलकम टू किशोर अकेडमी स्टूडेंट्स, ये D1 मैथमेटिक्स का न्यू एडिशन है, अपडेटेड 7th एडिशन। इसमें D1 जो है वो फोर क्लास 6 के लिए है अब, और D2 जो है वो 7th क्लास के लिए है। तो YouTube पे तो आपको पुराने वर्जन्स के मिलेंगे मेथड, लेकिन किशोर अकेडमी पे आपको D1 D2 का जो अपडेटेड न्यू सिलेबस है ऑक्सफोर्ड का, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो आज इस एक्सरसाइज में हम जो है चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। सो स्टूडेंट, ये है आपकी एक्सरसाइज 1B, इसका क्वेश्चन नंबर 1-2 HCF और LCM से रिलेटेड है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द LCM ऑफ n एंड 15 इज 45। यानी इस क्वेश्चन में आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ उसने ये हमें इंफॉर्मेशन दी है कि n और 15 का जो LCM है वो 45 है। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। स्टूडेंट, अब जो हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन LCM ऑफ n एंड 15 इज 45। ये हमें गिवन था। सो 45, अब आप आगे लिखेंगे 45 इज डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 9। सो 3, 5 एंड 9 आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। चूंकि 45 3, 5 और 9 पे डिविजिबल है, तो इन्हीं में से कोई n की वैल्यू है। बट द LCM ऑफ 3 एंड 15 एंड 5 एंड 15 इज नॉट 45। अगर हम 3 को 15 के साथ LCM लें या 5 को 15 के साथ लें तो उसका आंसर 45 नहीं आता। सो फिर पीछे एक ही नंबर बचता है 9। सो 9 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n बिकॉज द LCM ऑफ 9 एंड 15 इज 45। सो योर आंसर इज 9। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसकी स्टेटमेंट आप ऐसे लिखेंगे और नीचे इसका आंसर आप 9 लिख देंगे। फॉर मोर D1 एंड D2 न्यू अपडेटेड जो एडिशन है उसके सॉल्यूशंस के लिए किशोर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे भी अगर आपको पर्सनल किसी चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट करके उसके सॉल्यूशन मुझसे बनवा सकते हैं। सो सब्सक्राइब द किशोर अकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।